हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एडीएफ फूड्स लिमिटेड। इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन 40 रुपए से भी ऊपर की तेजी देखने को मिल रही है और यह स्टॉक 5.5% की तेजी लगाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक का रिजल्ट कैसा आएगा और यहाँ से इस स्टॉक में कहाँ तक की तेजी देखने को मिल सकती है। ये सभी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम इसी स्टॉक के रिजल्ट की बात करें तो इसका जो रिजल्ट आएगा उसमें इस स्टॉक का Q2 का जो प्रॉफिट था वो 13 करोड़ था, वहीं पर Q3 का जो प्रॉफिट आएगा वो 18 करोड़ आएगा, जो कि 5 करोड़ रुपए बढ़कर आएगा। वहीं पे अगर हम इनकम की बात करें तो इनकी इनकम भी बढ़ी है, जहां पे 117 करोड़ की इनकम Q2 की थी, वहीं पर इस Q3 के रिजल्ट में 123 करोड़ की इनकम देखने को मिली है। तो इनकम में भी इनकी काफी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो इसकी वजह से इस स्टॉक में आज के दिन एक बड़ी तेजी देखने को मिली है। अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आपको लॉन्ग टर्म का व्यू रखना चाहिए। जैसा कि इस स्टॉक में आप देख सकते हैं चार्ट पैटर्न में भी, वहां पर इस स्टॉक में 872 रुपए के टारगेट से ये स्टॉक लगातार नीचे गिरा, वहां पे इस स्टॉक का एक बॉटम बनता हुआ नजर आया। और वहीं से इस स्टॉक में जो नीचे का एक बड़ा सपोर्ट लेवल था, जहां से इस स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पैटर्न देखने को मिला, 705 रुपए के बाद इस स्टॉक में निचले लेवल पर एक बड़ी खरीदारी होती हुई नजर आई। अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आपको एक स्टॉप लॉस ट्रेड करना चाहिए, जो कि अराउंड 750 रुपए के आसपास एक आप स्टॉप लॉस ट्रेड कर सकते हैं, जो कि ऊपर के आपको शॉर्ट टर्म टारगेट 780 रुपए और सेकेंड टारगेट 809 रुपए तक के देखने को मिलेंगे। और इस स्टॉक में अगर हम फ्रेश ब्रेकआउट की बात करें तो 873 रुपए के बाद ही आपको एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, जहां पर ये स्टॉक 1000 रुपए तक जाता हुआ नजर आएगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।